फर्स्ट क्लास में हमने आपको राजस्थान के परिचय के बारे में बताया था, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे पिछली वीडियो में हमने आपको बताए थे। यदि आपने वो पिछली वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। तो आपका ये सेकंड भाग है इसका लेक्चर, सेकंड आपका राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक प्रदेश। तो जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना, और टेलीग्राम चैनल को आपको ज़रूर ज्वाइन करना है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को भी आपको ज़रूर ज्वाइन करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना है, इसका फुल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को भी आपको ज़रूर ज्वाइन करना है। जो हम पढ़ेंगे ये टॉपिक होगा आपका राजस्थान जीके का होगा, वो होगा आपका राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक भूगोल, किसके बारे में आपका होगा। जो आपके होंगे 50 क्वेश्चन आपके पीटीटी में पूछे जाते हैं, वो आपके 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका 3 अंक का होता है। तो आपको अच्छी तैयारी करनी है तो इस चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। यदि आपको पीटीटी में और बीएसटीसी में आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो प्रत्येक शाम 5 बजे आपको राजस्थान जीके की क्लास हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका, किस नए राज्य के गठन के बाद राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बना है या बना है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, सही ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गया। सेकंड क्वेश्चन आपका, राजस्थान की सीमाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक है। तो सेकंड क्वेश्चन में भी आपके पास 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है। पहला क्वेश्चन आपका, कटरा गांव गंगानगर से बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। सेकंड आपका, कोना गांव गंगानगर से सीलाना गांव बांसवाड़ा। कोना गांव गंगानगर से बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा। कटरा गांव गंगानगर से सीलाना गांव बांसवाड़ा। तो इसका ऑप्शन आपका 3 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, कोना गांव गंगानगर से बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा, ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आपका, थर्ड क्वेश्चन आपका, जिले की अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, सही ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर ज़िले की अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बाड़मेर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है। आपको बताना है राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, कांडला बंदरगाह। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां प्रश्न आपका, गुजरात राज्य के कितने ज़िलों की सीमा राजस्थान से लगती है। गुजरात राज्य के कितने ज़िलों की सीमा राजस्थान से लगती है, तो कितने की लगती है, 4, 5, 6, 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6। तो 6 ज़िलों की सीमा राजस्थान गुजरात राज्य से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6वां, कौन सा ज़िला प्रतापगढ़ का सीमावर्ती ज़िला नहीं है। कौन सा ज़िला प्रतापगढ़ का सीमावर्ती ज़िला नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डूंगरपुर। 7वां प्रश्न आपका, निम्न में से किस ज़िले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। आपको ये बताना है कि किस ज़िले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर। अब 8वां प्रश्न देखते हैं आपका, 8वां प्रश्न है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, धौलपुर। तो इसमें क्या जाएगा आपका, धौलपुर। और बड़ा ज़िला पूछे तो क्या जाएगा आपका, जैसलमेर। 9वां क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारतीय संसद में राजस्थान में कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो कितने सदस्य चुने जाते हैं,
35, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो चार ऑप्शन है आपके पास, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, राजगढ़, बाड़मेर। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां, राजस्थान के किस जिले में रण का बाहुल्य है, तो गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर। तो दोस्तों इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है, राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है, तो इस किस भाग में स्थित है, पश्चिम, उत्तर, मध्य, उत्तर पश्चिम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य की सीमा के सारे राजस्थान के सर्वाधिक जिलों की सीमा रेखाएं जुड़ी हुई है, तो चार ऑप्शन है आपके पास, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां प्रश्न, क्या कहते हैं आपका, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर। तो इसमें से आपको इनके बताना है, तो इसका आपका 14वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बांसवाड़ा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, बांसवाड़ा। 15वां क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले किस क्षेत्र में स्थित है, अधिकांश बड़े जिले किस क्षेत्र में स्थित है, तो इसका आ जाएगा आपका उत्तरी पूर्व क्षेत्र में, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में। तो इसका आ जाएगा आपका पश्चिमी क्षेत्र में। 16वां क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े व सबसे छोटे जिले का सही युग्म कौन सा है, ऑप्शन है आपका जयपुर धौलपुर, जयपुर जैसलमेर, जैसलमेर दौसा, जयपुर दौसा। तो ये जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, जयपुर, और सबसे छोटा कौन सा है, जैसलमेर। तो इसका ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर और जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है, टोंगढ़ को, माउंट आबू को, कुंभलगढ़ का पठारी भाग को, ऊपरमाला का पठारी भाग को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वां क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई राज्य के किस भाग में है, तो दक्षिणी पश्चिम में, दक्षिणी पूर्व में, पूर्वी में और मध्य पूर्वी में। तो 18वां क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दक्षिणी पश्चिम में। तो 18वां क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो चार ऑप्शन है आपके पास, जालोर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिरोही। तो दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। फिर 20वां क्वेश्चन है आपका, सवाई माधोपुर जिले का अधिकांश भाग राज्य के किस भौतिक विभाग में स्थित है, तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठार भाग, पूर्वी मैदान भाग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी मैदान भाग। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी मैदान, मैदानी भाग। 21वां क्वेश्चन देखते हैं आपका, राजस्थान के किस ओर मालवा पठार है, मालवा पठार है, उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व। 22वां क्वेश्चन है आपका, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है, तो दक्षिणी पश्चिमी में, दक्षिण में, दक्षिणी पूर्व में, मध्यवर्ती में। तो 22वें का आपको क्वेश्चन बताना है, आंसर बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर ये हो जाएगा मध्यवर्ती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23वां क्वेश्चन है, विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक अरावली पर्वतमाला किस प्राचीन क्षेत्र का भाग है, 33 सागर का, गोंडवानालैंड का,
अंगारलैंड का, अफ्रीका महाद्वीप का। तो इसका आपका ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का। 24वां क्वेश्चन देखते हैं आपका, हिमालय और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर, धूपगढ़, महेंद्रगढ़, गुरु शिखर। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु शिखर। 25वां क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांश विस्तार कितना है? तो कितना है, 8°7', 7°9', 6°8', 9°3'। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, 7°9'। तो दोस्तों इन 25 क्वेश्चनों को आपको ज़रूर तैयार करना है, ये आपके PTT और BSTC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को